ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करने वाले आस्तिकों का दावा है कि भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं, बलि से भी प्रसन्न होते हैं। सवाल है कि वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान पशु बलि से प्रसन्न होते हैं या नाराज होते हैं? क्या भगवान अल्लाह या गॉड पशु की हत्या से या बलि चढ़ाने से खुश होते हैं या नाराज होते हैं? सवाल है, क्या पशु बलि से ईश्वर अल्लाह गॉड अपने भक्त को श्राप देते हैं या आशीर्वाद देते हैं? तो चलिए तर्क की कसौटी पर इन प्रश्नों को हम परख के देखते हैं यह कितना सटीक है या गलत है। जैन और बौद्ध धर्म में जीव हत्या को महापाप कहा गया है। इन दो धर्म के विश्वासियों का अनुयायियों का दावा है कि भगवान पशु हत्या से जीव हत्या से असंतुष्ट होते हैं, यानी जीव हत्या भगवान की दृष्टि में पाप है। यानी जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मुताबिक जीव हत्या महापाप है। इसलिए जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी भोजन इसलिए करते हैं कि शाकाहारी भोजन से उनका भगवान संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा और उन्हें आशीर्वाद देंगे। दूसरी ओर अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो इस धर्म में पशु बलि को पुण्य माना गया है। यानी हिंदू धर्म में पशु बलि देने से भगवान या देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति के उपासकों का दावा है कि पशु बलि या नरबलि देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान मिलता है। एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदू धर्म में नरबलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन कानून के दृष्टि में नरबलि को अपराध माना गया और नरबलि चढ़ाने वालों को फांसी तक की सजा हो सकती है। यह होने के बाद नरबलि लगभग बंद हो गई। नरबलि के जगह अब हिंदू धर्म में भगवान को या देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि चढ़ाई जाती है। पशु के रूप में बकरी की बलि, भैंस की बलि आदि चढ़ाई जाती है। हिंदू धर्म में देवी काली, दुर्गा या शीतला माता के नाम पे पशु की बलि चढ़ाई जाती है। आज भी हिंदू धर्म के ऐसे अनेक मंदिर है जहां पशु बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि उपासना के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवता के नाम पे किसी भी पशु की बलि चढ़ाना कानूनन अपराध है और इस अपराध में उस मंदिर के पुजारी से लेके पशु बलि के लिए जिन्होंने मन्नत रखी है उन्हें जेल और जुर्माना हो सकता है। इसलिए आप अगर पशु बलि चढ़ाते हैं तो कानून को थोड़ा ध्यान में रख के करिएगा, क्योंकि कानूनन आपको पशु बलि चढ़ाना भारी पड़ सकता है। हिंदू धर्म के अलावा भी इस्लाम धर्म में कुर्बानी नामक एक धार्मिक अनुष्ठान में अल्लाह को खुश करने के लिए पशु की बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम धर्म के विश्वासियों यानी मुस्लिमों का दावा है कि अल्लाह अपने सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बानी लेता है और इससे अल्लाह खुश होता है। इसलिए अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी नामक धार्मिक उत्सव में गाय, ऊंट, भेड़ की या बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। अब हम तर्कवादी, युक्तिवादी या विज्ञानवादियों का एक सीधा साधा सवाल है, अगर जैन और बौद्ध धर्म में जीव हत्या को पाप माना गया है तो क्यों हिंदू या इस्लाम धर्म में जीव हत्या या बलि को
पुण्य माना गया है। क्यों एक धर्म में जीव हत्या बलि को पाप की नजर से देखा जाता है, तो क्यों दूसरे धर्म में जीव हत्या कुर्बानी या बलि को नेक नजर में पुण्य की नजर पे देखा जाता है। जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान पर विश्वास करते हैं उनका ही यह दायित्व है यह स्पष्ट करे कि ईश्वर अल्लाह गॉड किसी भी पशु पक्षी की बलि चढ़ाने से खुश होते हैं या नाराज होते हैं, जीव हत्या पाप है या पुण्य है। किसी भी पशु की बलि चढ़ाने से ईश्वर अल्लाह गॉड प्रसन्न होते हैं या नाराज होते हैं, या भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं या उन्हें श्राप देते हैं, इन प्रश्नों का जवाब आप आस्तिकों को तार्किक रूप से देना पड़ेगा। हम तर्कवादी आपके जवाब को तर्क की कसौटी पे परख कर देखेंगे कि आपका जवाब सही मायने में कितना सटीक है या गलत है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं, भारत में आज ऐसे अनेक कानून है जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है ईश्वर अल्लाह गॉड धर्म आदि के नाम पे किसी भी पशु की बलि चढ़ाना कानूनन अपराध है। साल 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उपासना या धर्म के नाम पे खुलेआम किसी भी पशु की बलि चढ़ाना कानूनन अपराध है। धर्म आस्था ईश्वर अल्लाह गॉड जैसे काल्पनिक देवी देवता के नाम पे पशु की बलि चढ़ाना या कुर्बानी देना कानूनन जुर्म है। और इसे कानूनन बंद भी करना चाहिए। इस मांग के साथ भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने साल 2005 में बंगाल में आंदोलन शुरू किया था। युक्तिवादी समिति ने यह दावा किया था जहां कानूनन यह कहा गया है कि किसी भी पशु पक्षी की बलि चढ़ाना उपासना के नाम पे देवी देवता के नाम पे धर्म के नाम पे वह कानूनन जुर्म है, तो क्यों ना पशु बलि को बंद किया जाए। सीधे शब्द में उपासना धर्म आस्था ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे पशु बलि चढ़ाना कानूनन अपराध है और इसे बंद किया जाए कानून के मदद से। यह मांग करते हुए भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने पशु बलि विरोधी आंदोलन शुरू किया था। पशु बलि या कुर्बानी के खिलाफ युक्तिवादी समिति ने जो आंदोलन शुरू किया था उस पर हम अलग वीडियो बना के आपको जरूर दिखाएंगे।